enak tuh. कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो करीब करीब एक महीने के बाद मैं ब्लॉग कर रही हूँ और मुझे बहुत सारे कमेंट आए। एक दो दिन पहले मैंने एक पोस्ट शेयर किया था कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं कर रही हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट आए पहले कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे। तो उसके ऊपर मैंने एक पोस्ट करके बताया कि क्यों नहीं आ रहे ब्लॉग। तो फिर मुझे कुछ कमेंट आए कि मुझे ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए, हफ्ते में एक दो तो एडजस्ट करनी चाहिए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बीच बीच में कैसे बोल रही है, तो परी मैडम अभी बहुत ज्यादा बात करने लगी है, बहुत ज्यादा होशियार बन रही है, बहुत कुछ शैतानियां कर रही है। इसलिए मुझे ब्लॉग करने में थोड़ा सा ये होता है कि मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ ब्लॉग के लिए। और फिर ना सच कहूँ तो कुछ टाइम पहले तक मुझे सब लग रहा था कि मेरे ब्लॉग बहुत ज्यादा बोरिंग चल रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे गैप लेने की जरूरत है। लेकिन फिर जब कल परसों मैंने एक दो परी की वीडियो शेयर की है और कुछ पोस्ट डाली, तो मुझे कमेंट आया कि मुझे एटलीस्ट हफ्ते में एक दो तो करना चाहिए। आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जिनको मेरे ब्लॉग पसंद है वो लोग मुझे बहुत मिस कर रहे हैं, परी को बहुत मिस कर रहे हैं। फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, डेली तो नहीं हो पाएगा लेकिन जितना हो सके उतना कर पाऊँ, हफ्ते में एक दो तीन जो भी हो पाए उतने करने की कोशिश करूँगी। तो अभी परी मैडम की चल रही कलरिंग का काम, तो कलरिंग के लिए मैंने परी के लिए बुक्स लाए थे लेकिन वो मैडम ने पूरी तरह से फाड़ दिए। मतलब एक फ्रूट्स वाला और एक वेजिटेबल्स वाला लाया था लेकिन मैडम ने पूरी तरह से फाड़ दिए। तो अभी एक ऐसी नॉर्मल बुक है उसके ऊपर हम थोड़ा सा कलर करते रहते हैं कि भाई उसको पेंसिल पकड़ना आना चाहिए, इसलिए बस उसको पेंसिल पकड़ना सिखाने के लिए और कलर्स पता चले इसीलिए। कौन सा कलर है कर परी? रेड है। परी तुझे गोष्टी बुक कुठे है दाखो ना, कुठे हे तुझे गोष्टीची बुक आहे काय? इमेजिन स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र। तो ये है परी की न्यू स्टोरी बुक जो कि मैं आजकल परी को थोड़ा थोड़ा सिखा रही हूँ स्टोरीज, इसीलिए और बहुत ज्यादा टाइम मैं परी की हेल्प स्पेंड कर रही हूँ। तो मैंने एक रीजन तो बताया था कि क्यों नहीं आ रहे ब्लॉग, तो परी बहुत ज्यादा भी होशियार हो रही है, बहुत ज्यादा बातें करने लगी है, तो उस बहुत ज्यादा जिद करने लगी। तो उसने परी को एक आदत पड़ी थी टीवी की, वो छुड़वाने के लिए मैंने ब्लॉग एक्चुअली बंद किए थे। टीवी की आदत मतलब कि पहले क्या होता था ना कि हम टीवी लगा करते तो ही वो देखती थी, या वो जो भी टीवी देखती थी उसमें से उसने राइम्स सीखे, एबीसीडी सीखे, ऐसे बहुत सारी चीजें सीखी थी। लेकिन अभी वो होता है ना कि वो बोलती है ये लगा के दो, वो लगा के दो। अगर हमने सामने से पूछा ना टीवी बंद करो तो वो नहीं बोलती डायरेक्ट। तो मुझे फिर कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि उसको टीवी की आदत पड़ रही है। और वो इस वजह से हो रहा था कि मेरा ध्यान मोबाइल में रहता था, मैं ब्लॉग कर रही हूँ या मैं अपने काम में हूँ या मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, इसीलिए उसको टीवी देखने की आदत पड़ रही थी, ऐसा मुझे फील हो रहा था। तो मुझे वो उसकी टीवी की आदत कहीं ना कहीं छुड़वानी थी, तो इसलिए फिर मैंने उसके लिए बुक्स लेकर आई, कलर्स लेकर आई, जो कि उसके सस्पेंड करूँ टाइम, उसके साथ रहूँ, मैं खुद भी मोबाइल साइड में रख दूँ और उसको ऐसा लगे कि भाई हम मोबाइल में या टीवी में नहीं, हमें अभी बुक पढ़नी है या फिर कलर करना है, जो भी
इसीलिए फिर एक ये रीजन था कि मैंने ब्लॉग बंद किए थे. एक रीजन ये था कि मुझे कुछ फील हो रहा था कि ब्लॉग कुछ बोरिंग चल रहे, और एक रीजन ये था कि मेरा एडसेंस का थोड़ा सा इशू हो रहा था, मुझे एडसेंस चेंज करना था. क्योंकि इससे पहले तक मेरा थाईलैंड का एडसेंस था और अब भी जस्ट मैंने चेंज के लिए अप्लाई किया है, तो उस वजह से फिर मुझे लगा कि चलो मेरे पास टाइम है कि मैं थोड़ा ब्रेक ले सकती हूँ अभी जब एडसेंस नया ऐड होगा इसके लिए. नो बाबू काम को ऐसा नहीं, तो इसलिए भी मैंने थोड़ा सा गैप लिया था. ए परी कट नहीं करा ऐसे बाहर अभी ना. और ये एक नई एक काम करती मैडम, अभी अगर कैमरा चालू ना जाके वो बंद कर देती, इसीलिए फिर वो होता है कि मैं मुझे पता ही नहीं होता कि कैमरा कब बंद हो गया. तो बस इस वजह से ब्लॉग नहीं आ रही थी. अभी कोशिश करूंगी कि मैं हो सके उतने ब्लॉग डालूं. अभी कब कुछ चाहिए हो ना तो मम्मा ये चाहिए, नहीं मतलब मराठी में बात करती वो, नहीं दिया ना पाइजे पाइजे देते थाम ऐसे खुद ही बोलती है, और इतना वो प्रेशर डालती ना मीठी मीठी बातों से कि आखिर में देना पड़ता है. तो बस वही महीने में मैंने अपने लिए चीज ली पर्सनली मेरे लिए, क्योंकि मुझे वो ऐसा हो रहा था कि अभी मुझे ये चीज चाहिए बहुत चाहिए, इसीलिए मैंने एक चीज ली. तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ क्या लिया, जिसके ऊपर अभी मेरा ट्राइपॉड रखा है छोटू वाला. तो ये मैंने लिया है ड्रेसिंग टेबल. तो अभी इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ चीजें लेनी है वो मैंने लाई नहीं है, और अगर हो सके तो मैं ड्रेसिंग टेबल की टूर आपको देने की कोशिश करूंगी. तो ये देखिए कुछ इस तरह से है, ठीक है. और ये वाला भी सेक्शन है, और ये जो नीचे का है ना इसमें परी के कुछ है क्लिप्स एंड ऑल ये सब, और ये है. और ये वाला जो है ना सम बाबू एक मिनट सर परी एक मिनट सर, ये डोर नहीं है ये स्लाइडिंग वाला है, और यहाँ पे भी कुछ सेक्शन आ जाते हैं कुछ इस तरह से. नो 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 तो ना बाबू बस 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 पर एक मम्मा को तुला का सांगते. तो ये देखो ये ऐसा हो जाता है, एक चीज देखी ना कि उसके पीछे भागते नहीं दे नो हाथत घ्यायचा. और अभी परी की एक फ्रेंड आ गई है हमारे फ्लोर पे, एक सामने वाला रूम खाली था वो भर गया, वहां पे दो तीन बच्चे है. तो परी को उसमें से एक फ्रेंड मिल गई है जिसका नाम है प्रियांशी, ये रियांशी वो प्रियांशी. परी को पहले भी एक फ्रेंड मिली थी उसका भी नाम प्रियांशी था. ए परी नो देख अभी उसके पीछे पड़ी. तो चलिए मैं कोशिश करूंगी कि ब्लॉग ऐसे ही कंटिन्यू कर पाऊँ. अभी शाम का मैं आज बता दूँ तो आज मैं शाम को बनाने वाली साबुदाने की खिचड़ी. क्या पाइजे नहीं पाइजे नहीं दे नहीं दे नो नो. तो ये देखिए ये ऐसी करने लगी इसलिए फिर मेरे ब्लॉग बंद हो गए थे. तो ये तो चलिए शाम का देखेंगे. शाम को अभी थोड़ा सा परी को मैं एक स्टोरी सुना देती हूँ सिखा देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ. टिकली तो इसको मेरी सहनी नहीं होती है. दे टिकी आगो भाई आगो भाई तूते ओए 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 तिथे ना ये बाबू. और मुझे कपड़े फोल्ड करना अभी बाकी है, एक्चुअली मैंने अभी जस्ट निकाले. मैंने सोचा कि परी को थोड़ा सी कलरिंग करवाते करवाते थोड़ा सा कपड़े वगैरह फोल्ड कर लूंगी. तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, और कोशिश करूंगी कि ब्लॉग बोरिंग ना बने ऐसा, इसलिए भले हफ्ते में एक आध या दो ही बनाऊंगी लेकिन कोशिश करूंगी कि अच्छे बन जाए. क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मुझे खुद को फील हो रहा था कि ब्लॉगिंग बस वही हो रहा है, रिपीट 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 हो रहा था. तो कोशिश करूंगी कि कुछ नया कंटेंट दे पाऊँ. तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद. ओ मैडम काय करते तू परी ए नक्तू ए परी तुला न्यू न्यू फ्रॉक कोणी आणले ग मम्मा ने आणले. मग मम्माला काय बोलायचं? वो खुद ही बोलने लगे. मैंने उसको उस दिन फ्रॉक मंगवाए थे तो उसने देखे और बोलते मम्मा थैंक यू सो मच. तो चलिए हम आपसे मिलते थोड़ी देर के बाद.
गाइस, परी को थोड़ा टाइम स्टोरी रीड कराने के बाद मैं आ गई हूँ हॉल में, और परी मैडम ने बहुत सारा पसारा करके रखा था, तो वो सब मैं उठा उठा कर रख रही थी। और परी क्या करती है, कभी कभी मूड हुआ तो खुद अपने आप उठा के रख देती है, लेकिन कभी कभी नाटक करती है। तो यहाँ पे उसके सारे फ्रेंड्स को मैंने उनकी जगह पे रख दिया है। और आजकल परी मैडम साइकिल पे बहुत खेलने लगी है, तो वो भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगी। और हम लोग चेयर विंडो के यहाँ पे क्यों रखते हैं, ऐसी मुझे एक बार कमेंट आई थी। तो दीवार क्या था ना, तो उसका जो कोना है ना, वो दीवार पे टच होता है ना, तो वहाँ पे वो एक लाइन बन जाती है, इसलिए हमने विंडो के वहाँ पे रखते हैं। और परी मैडम देखो यहाँ पे खा रही है मस्त। तो चलिए, मेरा हॉल तो क्लीन हो चुका है, परी भी शांत बैठी है, तो मैं आ गई हूँ किचन में। मुझे करनी है साबुदाना की खिचड़ी, इसीलिए तो आलू उबाल के रखे थे मैंने। और यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल डालने के बाद मैंने क्या किया, मिर्ची क्रश करके ली। वैसे मैं कट भी कर लेती हूँ, लेकिन क्रश कर ली ना तो वो होता है कि आपको निकालने की झंझट नहीं रहती है। और फिर उसके बाद मैंने जो बॉईल करके रखे थे ना आलू, वो भी डाल दिए। अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी, फिर थोड़ा सा उसको पकने के बाद 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पे, फिर उसको मैं उसमें मैं साबुदाना डाल रही हूँ और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो लाइट थोड़ी सी कम दिख रही है, क्योंकि क्या है ना, मैंने अपने मोबाइल का ये नहीं चालू किया था, और मेरा जो बड़ा ट्राइपॉड है ना, वो किचन के ऊपर आता नहीं है। जो छोटा था ना पहले, वो आ जाता था, तो वो थोड़ा इजी पड़ता था मुझे, लेकिन बड़ा से शूट करना फिर ये होता है कि इसलिए मुझे थोड़ी सेटिंग करके लगाना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई के नीचे तवा रख दिया है, क्योंकि साबुदाने की खिचड़ी बहुत जल्दी जल जाती है अगर आप लो पे भी रखो तो भी, इसीलिए मैंने तवा रखा है। अब इसमें मैंने डाल दिया नमक 1 चम्मच, 1/2 चम्मच डाल दूँगी चीनी। तो चीनी डालने से ना जो साबुदाने की खिचड़ी की टेस्ट है ना, वो अच्छी होती है, नींबू और लेमन और चीनी डालने से। तो इसलिए अभी मैं पहले इसको अच्छे से मिक्स करके लूँगी, और इसको साबुदाने को अच्छे से पकने दूँगी 5 मिनट तक लो फ्लेम पे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो क्या किया ना, मैंने तवा रखा था ना, इसलिए मैंने फास्ट रखा, क्योंकि वो तवा और कढ़ाई गर्म होने के लिए थोड़ा टाइम लग गया ना, तो बस इसीलिए। अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसमें मैं डाल दूँगी शेंगदाने का कुट। शेंगदाने का कुट आप जितना ज़्यादा डालते हो ना, उतनी टेस्टी खिचड़ी बनती है, इसलिए मैंने 1.5 कप शेंगदाने का जो कूट होता है ना, वो डाल दिया है। अब अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब लास्ट में मैं डाल रही हूँ लेमन। 1 पूरा लेमन डाल दिया मैंने मस्त अच्छे से, ताकि एकदम मस्त टेस्ट आए। और फिर अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और फिर ढक के रख दूँगी। तवा रखा है ना, इसीलिए मैं रखूँगी 10 से 12 मिनट तक लो फ्लेम पे एकदम, क्योंकि अभी तवा गर्म हो चुका है, तो इससे खिचड़ी जलेगी भी नहीं, और जो साबुदाना है ना, वो एकदम अच्छे से पक जाएगा, तो बस इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने 10 से 12 मिनट रख दिया है, और फाइनली यहाँ पे मेरी जो खिचड़ी है वो मस्त बन गई। शेंगदाने का कुट ज़्यादा डालने की वजह से कलर इतना अच्छा आया है, लाइट की वजह से आपको थोड़ा डिम दिख रहा है, लेकिन आपको आगे दिखेगा। तो चलिए, मैं अभी गैस बंद कर देती हूँ, और प्लेट में निकाल के आपको भी दिखाती हूँ कैसी बनी है। तो ये देखिए साबुदाने की खिचड़ी कैसी बनी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए, अभी मैं फटाफट खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी खाना गरम गरम खाना पसंद है, और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और देखिए लाइट की वजह से कितनी अच्छी लग रही है अभी। रात के 10 और मेरा ऑलमोस्ट आज का सारा काम हो गया है, और मैं सोच रही थी नौकर में ये पे कर दूँ। परी को मैंने सुला दिया है, परी पौने 10 बजे सो गई, और परी वैसे भी पहले से 9 से 10 के बीच में सो जाती है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि परी 10 से भी ज़्यादा जग रही होती है, मतलब बहुत कम बार ऐसा होता है, नहीं तो 9 से 10 के बीच में सो ही जाती है। मैडम भी सो गई है, और मैंने किचन को अपना क्लीन कर लिया है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं भी थोड़ा सा कुछ देखूँ, और एक दो वीडियोज़ मुझे देखने थे तो वो देख लेती हूँ, और ब्लॉग का एडिटिंग भी करूँगी। वैसे मैं बताऊँ, मैं 2-3 दिन से सोच रही थी कि मैं ब्लॉग फिर से स्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ कि नहीं, फिर मन में आता था करती हूँ, फिर ये होता था कि चलो कल से करूँगी, ऐसे सोचते रह जाता था। लेकिन आज शाम को अचानक से मेरा मूड हुआ कि आज से स्टार्ट कर ही देते, क्योंकि कल कभी आता नहीं है, जो आज है हो रहा है तो कर दो। तो बस इसे आज से ब्लॉग स्टार्ट हो गए। होपफुली आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।